is the amount involved? Lordship, amount is 4,43,590. Lordship, Dream 11, Lotus 365, Lordship, IPL में जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ये Lordship, ये क्रिकेट वाला गेम खेलता था Lordship, ऑनलाइन. और Lordship, जब इसने बैंक मैनेजर को बताया कि मैं ये गेम खेलता हूँ, इसमें मैं पैसे जीतता हूँ, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि मुझे भी ये गेम खेलना है. वो फेक गोल्ड लोन के अकाउंट क्रिएट किए और फेक गोल्ड लोन के अकाउंट क्रिएट करके वो पैसा लेकर उस गेम में लगा के वो पैसा हारते रहे. ये दूसरे के मोबाइल से आईडी क्रिएट करके देते. Lordship, this is first bail application under section 439, Lordship. Yes. Offence registered under section, Lordship, 409-420, Lordship. Yes. Lordship, उसमें incident, Lordship, ये है, Lordship. कि how much is the amount involved? Lordship, amount is 4,43,594. और क्या किया है इन्होंने? मैं Lordship incident, Lordship, मैं incident. हाँ. इसमें Lordship, संजय सैनी जो है, Lordship. ये मणिपुरम फाइनेंस में Lordship, इंद्रपुरी ब्रांच का Lordship मैनेजर. यस. अजय पाल सिंह राजपूत Lordship असिस्टेंट मैनेजर है. और पंकज यादव और नीलेश परिहार Lordship के कैशियर है. अब Lordship इसमें कहानी जो स्टोरी Lordship वो दो पार्ट में है. जस्ट अ मिनट, दो लोग कौन बताया आपने? Lordship, जो एक तो संजय सैनी ब्रांच मैनेजर. यस. एंड अजय पाल सिंह असिस्टेंट सहायक शाखा प्रमुख. यस. असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर कैशियर है पंकज यादव एंड नीलेश परिहार. पंकज यादव और नीलेश परिहार कैशियर. यस सर. दोनों कैशियर हैं. ही इज द मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड इंद्रपुरी ब्रांच. एंड नीरज. नीरज भी कैशियर. यस यस Lordship. यस यादव नीरज पर यार. यस. अब इसमें Lordship क्या है Lordship? जैसे ये Lordship ड्रीम 11 लोटस 365 Lordship आईपीएल में जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं Lordship. यस. इसी तरीके की Lordship एक वेबसाइट है Lordship क्लासिक एक्सचेंज 99 Lordship. यस. क्लासिक एक्सचेंज 99. यस. Lordship जो बैंक मैनेजर है Lordship संजय सैनी, इनके घर के बगल में Lordship एक व्यक्ति रहता था रवि शंकर राजपूत. yes. ये Lordship ये क्रिकेट वाला गेम खेलता था Lordship ऑनलाइन. और Lordship जब इसने बैंक मैनेजर को बताया कि मैं ये गेम खेलता हूँ, इसमें मैं पैसे जीतता हूँ, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि मुझे भी ये गेम खेलना. yes. तो इन्हें रवि शंकर राजपूत ने Lordship इनका भी उसमें बैंक में अकाउंट खुलवा दिया. अब Lordship उसमें जब ये राशि हारने लगे और जीतने लगे Lordship, तो उन्होंने Lordship कैशियर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के साथ मिलकर बैंक में जो गोल्ड लोन है Lordship वो फेक गोल्ड लोन के अकाउंट क्रिएट किए और फेक गोल्ड लोन के अकाउंट क्रिएट करके वो पैसा लेकर उस गेम में लगा के वो पैसा हारते रहे संजय सैनी ने. यस Lordship. इसमें Lordship क्या हुआ फिर Lordship रविशंकर राजपूत जो है Lordship. यस. वो Lordship संदीप पटेल जो Lordship उसी कंपनी में काम करता था गेम वाली कंपनी में, उसको Lordship पैसे देकर 10% अपना कमीशन रख के उससे ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए Lordship कॉइन खरीदता था. और Lordship संदीप पटेल Lordship जो मेन मास्टर आईडी थी Lordship वो सोनू सिंधी के पास थी, उसको Lordship पैसा देता था और अपना 5% कमीशन रखता था. संदीप पटेल Lordship उसकी दुकान थी Lordship एक फार्मा कंपनी थी स्वर्ण फार्मा दवा बाजार में Lordship जो उसकी दुकान थी Lordship. ये Lordship जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है Lordship ये संदीप पटेल की दुकान. ये एप्लीकेंट का आपका क्या रोल है? ये Lordship ये जो दवा की दुकान थी Lordship संदीप की, उसकी दुकान पर Lordship काम करता था. इसके ऊपर ना Lordship एक यू आर ओनली वर्कर. यस Lordship. ना इसके ऊपर एक पैसा लेने का एलिगेशन है. यस. गेम से इसका Lordship इसने बताया कि मोबाइल से जिनको मास्टर आईडी सोनू सिंधी निवासी बेरगढ़ देता था, संदीप भाई करीब 1.5 साल से ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रहे हैं. संदीप पटेल ने मुझे उनकी मास्टर आईडी तथा आईडी पासवर्ड मुझे दे रखा था. मैं अपने मोबाइल से बनाकर देता था कि दूसरे के मोबाइल से आईडी क्रिएट करके देता. आप भी इक्वली इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है? नहीं. इसमें Lordship इसमें देखेंगे Lordship Lordship बयान देखेंगे Lordship. तो इसमें Lordship एक भी पैसा Lordship लेने का एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं है. और Lordship पैसा नहीं, आप आईडी बना के देते थे, फॉर्जरी आप ही कर रहे हैं. नहीं Lordship, संदीप पटेल की दुकान पे Lordship जो उसकी दवाई की दुकान है उस पर Lordship हम काम करते हैं, तो इसमें एलिगेशन ये Lordship कि वो कभी कभी अपना मोबाइल मुझको दे देता था. कौन? ये संदीप पटेल Lordship जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ था और 5% कमीशन. आप ये कहां से पढ़ रहे हैं? आईडी बना के देता था उसका मेमोरेंडम. किसका? ये फरहान का. फरहान का मेमोरेंडम. हाँ, बड़ी क्या है? एक भी पैसा Lordship हमारे खिलाफ लोग एलिगेशन नहीं आया होगा. पैसा आया कि मैं उपरोक्त लिखाए पते पर रहता हूँ तथा स्वर्ण फार्मा मेडिकल दुकान दवा बाजार हमीदिया रोड पर मैनेजर के पद पर हूँ. तो दुकान नीलेश वर्मा की है जो प्रोफेसर कॉलोनी पॉलिटेक्निक चौराहे पर रहते हैं. संदीप पटेल स्वर्ण फार्मा में बैठे हैं तथा चरक हॉस्पिटल में दवाई की दुकान की देखरेख भी करते हैं. मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पिता दर्जी का काम करते हैं, हम तीन भाई हैं. सो आगे रिलेवेंट पढ़ता हूँ Lordship. मैं संदीप भाई को करीबन 8 साल से जानता हूँ. रवि शंकर राजपूत
व संदीप पटेल दोनों पूर्व में चरक अस्पताल पर नौकरी करते थे, वहीं मेरी मुलाकात रविशंकर से भी हुई थी, तभी से जानता हूं। संदीप पटेल व रविशंकर राजपूत ऑनलाइन गेम भी खिलाते हैं। संदीप भाई के पास मास्टर आईडी है, जिनकी मास्टर आईडी सोनू सिंधी निवासी बेरगढ़ देता था। संदीप भाई करीब 1.5 साल से ऑनलाइन गेमिंग का काम करते हैं। संदीप पटेल ने मुझे उनकी मास्टर आईडी का आईडी पासवर्ड भी दे रखा है, वही आईडिया बनाकर देते हैं। कभी मैं अपने मोबाइल से बनाकर देता था। संदीप भाई कहते थे कि संजय सैनी की आईडी बना दो। संजय सैनी सर वो मणप्पुरम गोल्ड लोन वाला है। तो संजय सैनी की आईडी बना देता था। हमारी मास्टर आईडी से हम कई आईडिया बनाते थे। मैंने संजय सैनी के लिए हया, खाटू श्याम और रामदेवा नाम से आईडिया बनाई थी। संजय सैनी ने क्लासिक सेक्स 1999 ऑनलाइन कैसीनो गेम आईडी में पैसा कॉइंस बैलेंस डलवाने के लिए रविशंकर राजपूत को नगद 4 करोड़ का इनका कोई रोल इनका रोल नहीं है, इनका डायरेक्ट रिलेवेंस ही नहीं हुआ क्या लॉर्डशिप? जो मेन अक्यूज है ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हैं और फेक अकाउंट्स बनाकर मणप्पुरम गोल्ड लोन से गोल्ड, इनका कोई रोल नहीं है। मेन अक्यूजर संजय सैनी का पैसे का ट्रांजैक्शन इसका ऊपर नहीं है। आपके एप्लीकेशन में एप्लीकेशन इज ओनली फॉर 409 एंड 420, बाकी ओपन नहीं है। एफआईआर लॉर्डशिप सी में है और लॉर्डशिप जो सिर्फ दोनों में ही है। एप्लीकेंट हैज फाइल फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल फॉर ग्रांट ऑफ बेल। इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है? रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, भी चालान पेश नहीं हुआ। इनसे कुछ आपको सीज वीज तो नहीं करना है? ये तो गिरफ्तारी है। क्या लिखा है? First application under section 439 of Code of Criminal Procedure for grant of bail, police station offences. Counsel appearing for applicants submitted that embezzlement of banking money has been done by employees of bank, namely Sanjay Saini, branch manager, Ajay Pal, assistant branch manager, Pankaj Yadav, cashier, and Neeraj, cashier. Applicant does not have any role in embezzlement or doing cheating with the bank. Full stop. As per prosecution story itself, Ravi Shankar and Sandeep Patel used to earn money on commission on allowing other persons to do betting and gambling on online website. Full stop. Applicant is said to have come in contact of Sandeep Patel as he was working in the same shop and he used to help him in creating ID. No other allegation has made against him. Applicant does not have any criminal antecedents and first time offender. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that cheating and embezzlement has been done of amount to tune of rupees 4 crores. Offense is serious in nature. Applicant may not be released on bail. Heard the counsel for the parties. Applicant is under arrest and has been sent to judicial custody. No further investigation is to be done from him. He has not embezzled any amount from the bank. Considering totality of facts and circumstances of the case, bail application filed by applicant is allowed. 1,01,000 surety trial court. Not 67, 68, 71, 201 and 120. We also enhance yes, time yes. of investigation. इसलिए तो मैं पूछ रहा था, आप बोले कोई offence नहीं है, सिर्फ 409 का है. Lordship, इसमें बाद में आया है. You have not filed any application. ये लोग बाद में बढ़ाया होगा Lordship. तो आपको आपको bail थोड़ी ना मिल जाएगी, बाकी offences में आप जेल में ही रहेंगे. आपको bail हमने grant करी है 409, 420 में. बाकी offence आपने लगाए नहीं है, उसका क्या consequence होगा? ट्रायल कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं कि 467 में आपको बेल नहीं मिली है. ट्रायल कोर्ट 10 मिनट आपने और वेस्ट किए, आपने भी नहीं बताया कि लॉर्डशिप ये बात में आया है. काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट इज डायरेक्टेड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग ऑल द ऑफेंसेस व्हिच आर एडेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट आफ्टर 1 वीक. मॉडिफाई कर दें लॉर्डशिप. 23
उसको ऐड तो करिए जितने ऑफेंसेस हैं आपके अगेंस्ट। मॉडिफिकेशन पब्लिक